तो दोस्तों सभी पेरेंट्स के लिए एक खुशखबरी, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमपी कोटे के थ्रू अप्लाई किया था, तो मैं आपको बता दूं कि एमपी कोटे की लिस्ट आउट हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी कोटे की जो लिस्ट है वो कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सी एस टेक्निकल पे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोस पाने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और खास तौर पे क्लास वन से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी क्लास वन में एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं क्लास वन से रिलेटेड कोई भी खबर है या कोई भी नया नोटिस या नोटिफिकेशन आए तो मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना करके आप सबसे शेयर करूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड या केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि जो एमपी कोटे की लिस्ट आउट हुई है आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बच्चे का नाम एमपी कोटे की लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी 9 जुलाई 2021 को एमपी कोटे की लिस्ट आउट हुई है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन लिस्ट का यानी एमपी कोटे से जो अप्लाई किए थे वो उस लिस्ट का वेट कर रहे थे, और बहुत सारे जो मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी कोटे की लिस्ट कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि लिस्ट आ गई है और मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप उसको कैसे बिल्कुल आसानी से लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे ऊपर दिख रहा होगा आपको KVS, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका लोकेशन मांगेगा, आप चाहे तो नो थैंक्स भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखा हुआ है उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में देखिए थ्री लाइन्स दिख रहे होंगे आपको, तो इस लाइन पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, होम, अबाउट KVS, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सर्कुलर्स और जो स्पोर्ट्स वर्क्स वगैरह जो लिखे हुए, ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ गए। तो यहाँ पर आपको ये जो प्लस साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। एकेडमिक पे देखिए यहाँ पे अकेडमिक्स पे लिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एडमिशन गाइडलाइन, एडमिशन अंडर एमपी कोटा, जो तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है एडमिशन अंडर एमपी कोटा, इस पर आपने क्लिक करना है। देखिए जब प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, लोकसभा ऑर्डर लेटर्स, राज्यसभा ऑर्डर लेटर्स। उसके बाद आपने लोकसभा ऑर्डर लेटर्स पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लिख रहा होगा आपको एडमिशन अंडर एमपी कोटा ऑर्डर लेटर्स। देखिए यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑनरेबल मेंबर, उसके बगल में लिखा हुआ टाइटल, फिर डेट, उसके बाद डिटेल एंड डाउनलोड्स। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, उन सब के यहाँ पर नाम आपको दिख रहे होंगे। तो आपने यहाँ पे वो नाम चेक करना है कि आपके जिस मतलब जो आपके एमपी हैं उनका नाम क्या है। उसके बाद आपने उसके बगल में देखना है कि जो कूपन नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टाइटल में कूपन नंबर लिखा हुआ है 231, 230, 227, 226, आपने ये भी देखना है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डेट जो 9/7 दिखा रहा है वो आपने डेट देखना है। तो जिस एमपी के थ्रू आपने एडमिशन के लिए मतलब रिकमेंड करवाया था आपने उनके नाम पर जाकर के, आगे जब देखेंगे आप यहाँ पे डिटेल्स एंड डाउनलोड में वहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक पहला जो श्री ग्रीस बालचंद्र बापत के आपको दिखाता हूँ मैं, कूपन नंबर 231, इनका मैं आपको एक डाउनलोड करके और खोल के दिखाता हूँ कि आपको मतलब लिस्ट कैसे दिखेगा और क्या फॉर्मेट होगा उसका। ये देखिए कुछ इस तरह से लिस्ट खुल के आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन रोटेट करके बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए जो लिस्ट आउट हुई है इसका डेट लिखा हुआ है 9/7/2021, यानी आज का ही डेट है वो। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है सांसद स्तुति पर प्रवेश आदेश, माननीय श्री सांसद श्री ग्रीस बालचर्य बापत के द्वारा KVS कूपन संख्या 231 के माध्यम से की गई स्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ चाइल्ड लिखा हुआ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम इन कैपिटल लेटर एंड एड्रेस विद मोबाइल नंबर, क्लास एंड नेम ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो आपने इस तरह से यहाँ पर जा करके लिस्ट चेक करना है। देखिए जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है वरद गजनान सिंधे,
उनका देखिए फादर का भी नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, उसके बगल में क्लास लिखा हुआ है, साथ ही में किस केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वो वहाँ पर लिखा हुआ है, या जिस केंद्रीय विद्यालय में रिकमेंड किया था वो लिखा हुआ है, आर्मी एरिया पुणे। इसी तरह से सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आ रखे हैं, तो आप भी अपने बच्चे का नाम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए निर्देश भी लिखा हुआ है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है KVS की वर्तमान प्रवेश दिशा निर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा ओवर एंड अबव होगी। थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, प्राचार्य संबंधित केंद्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलंब सूचित करें। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 31/8/2021 है, यानी जो मैंने आपको सभी वीडियोस में बताया कि जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त के बाद हो रहा है, यानी कि जो सारे एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2021, उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी आपने इससे पहले जो एडमिशन है वो अपने बच्चे का एडमिशन की प्रोसेस जो भी है वो क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उसके आगे नीचे लिखा हुआ है कि प्रतिलिपि वगैरह ये सब ये सब जो है स्कूलों के लिखे हुए, ये आपके लिए नहीं है, मेन आपका जो है लिस्ट है, जो आपके यहाँ पे लिस्ट आ रहा है तो आप इसमें अपने बच्चे का नाम चेक करें, उसके बाद जो निर्देश वगैरह दिए गए आप उसको फॉलो करें, और जैसे ही आपके लिस्ट में नाम आता है तुरंत आप अपने स्कूल में जिसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करें और एडमिशन के आगे की प्रक्रिया जो भी है उसको पूरा करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया कि आप जो MP कोटे की लिस्ट आउट हुई इसको कैसे चेक कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप तुरंत केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर जाएं और वहां पर अपने बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट में चेक करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इन सभी प्रोसेस के बारे में पता चल सके और वो भी बिल्कुल आसानी से जो है लिस्ट को चेक कर सकते हैं और उसमें अपने बच्चे का नाम देख सकें। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और खास तौर पे क्लास वन से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं क्लास वन से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट आ रहा है तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना करके या लाइव आ करके आप सबको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही मुझे MP कोटे की लिस्ट के बारे में पता चला तो मैं तुरंत सबसे पहले लाइव आया, लाइव आ करके मैंने आप सबको बताया कि MP कोटे की लिस्ट आ गई है, और उसके बाद मैं अब ये प्रोसेस वाइज मैं आपको वीडियो बना करके भी बता रहा हूँ कि आप कैसे मतलब लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।